है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि में। आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि 2023 का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर ग्रेजुएशन वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है। नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, बट जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, उनके लिए अभी नहीं स्टार्ट हुआ है रिन्यूअल का। तो यहाँ पे हम नए स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जब रिन्यूअल का आएगा तो उनके लिए हम रिन्यूअल का वीडियो भी लाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट के बाद किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर डिप्लोमे में एडमिशन लिया है, और जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में ना लेके किसी ने लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में लिया है, उसके लिए यह वीडियो होने वाला है जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग फटाफट से वीडियो लाइक करके चैनल को शेयर करिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको प्रोसेस बताते हैं। तो आपके सामने स्कॉलरशिप का जो है कि ऑफिशियल पेज खुला हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट में, जो यूपी स्कॉलरशिप आती है। तो उसके लिए आपको ये पेज कैसे खोलना है, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं इस वीडियो के। आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। अब आगे आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा हम स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव यहां पे दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर देखिए स्टूडेंट पे जाना है, स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24, मतलब 2023-24 हमारा प्रेजेंट सेशन का नेम आ गया यहाँ पे। तो अब हमको रजिस्ट्रेशन करना है, किसके लिए करना है, किस कैटेगरी के लिए करना है, वो सारी चीज यहाँ दिखा रहा है। फॉर SC ST जनरल कैटेगरी यहाँ पे करेगा, OBC यहाँ पे करेगा, माइनॉरिटी कैटेगरी यहाँ पे करेगा। तो हमने किसकी बात की, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का मैं करके यहाँ बताऊंगा, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिन्होंने लेटरल एंट्री लिया है उनके लिए, जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं ओबीसी का यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अपना मैं खुद कर रहा हूँ लाइव आप लोगों के सामने। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पे हमने क्लिक किया, क्योंकि हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे हमसे यहाँ पे हमारी सारी डिटेल पूछेगा जो हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत आपके सामने, क्योंकि लाइव रहेगा, अगर नेटवर्क स्लो हुआ तो कुछ टाइम भी ले सकता है। यहाँ पे नेटवर्क तो हमारा नहीं स्लो है, बिल्कुल सामने हमारा खुल के आ गए। अब जिला, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दी है। हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुना लखनऊ, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद हमने शिक्षण संस्थान चुना, जिस कॉलेज में भी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जिस लखनऊ जिले में जो भी कॉलेज है वो हमने यहाँ पे चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वर्ग जाति समूह, हमने अपना यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो हमने यहाँ पे चुन लिया है। OBC था, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर उसमें हमने धर्म हिंदू फिल कर दिया। अपना हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से अपना नेम हमने फिल किया, अपना मोबाइल नंबर डाला, किस ईयर में हमने हाई स्कूल पास किया वो डाला, हाई स्कूल बोर्ड डाला ICSE। फिर हमने यहाँ पे अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर फिल किया, फिर एक पासवर्ड हमने बना लिया और उसको कंफर्म किया। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड दिया हुआ हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद जनरेट OTP का ऑप्शन आ रहा है। पिछली बार तक अभी क्या था, 2022 तक यहाँ पे जनरेट OTP नहीं, डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, बट यहाँ पे इस बार जनरेट OTP का ऑप्शन आ रहा है। जनरेट OTP पे हम क्लिक करके देखते हैं, आगे हमें OTP फिल करनी होगी। तो जो भी हमारा मोबाइल नंबर है जो भी हमने डाला है उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP हमें यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आई वो हम डाल के दिखा रहे हैं आपको लाइव स्क्रीन पे, 50405। OTP डालने के बाद हमने यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है वो डाल दिया है, सबमिट OTP एंड प्रोसीड पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे सामने क्या पेज आता है। ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे आपको लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरना है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इस पेज को प्रिंट कर ले, यहाँ पे जाके PDF में सेव कर ले, इसको फोटो खींच के अपने पास रख लें, आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।